हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और हैप्पी ईद सारे दोस्तों को जो जो ईद सेलिब्रेट करता है। और गाइस, बहुत ही टाइम से मैं देख रहा था कि बहुत सारे फॉलोअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको एक वीडियो बनाना चाहिए जहाँ पे आप एक्सप्लेन करें कि आपका गेमिंग सेटअप कैसा है, आप कैसे स्ट्रीम करते हो, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो और कैसे यूज़ करते हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस वीडियो को बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि आप लोगों को जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना करूँ समझाने में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं एलकाटो HD60। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये आपका काम चला देता है, क्योंकि आपका जो फ़ोन पे या आईपैड पे जिस पे भी आप खेल रहे हो उस पे लोड नहीं पड़ता है, उस पे सिर्फ गेम चलता है और जो ट्रांसमिशन होता है वीडियो का वो भेज देता है आपके कंप्यूटर में। आपका एलगाटो है और इस एलगाटो को क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका HDMI केबल है, यह जाएगा इस HDMI केबल में, ये चला गया HDMI केबल। फिर आपका यहाँ पे ये एक पावर केबल है जो टाइप सी है, जिससे पावर जाएगा। अभी आप देखेंगे तो फिर लाइट तुरंत यहाँ पे चलने लगेगी। तो दोस्तों अभी ये जो है ये टाइप सी केबल है जिससे पावर जाएगा इसमें, और जैसे ये डालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइट जलने लगेगी, जिसका मतलब है कि ये एक्टिवेट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये लाइट जलने लगी, इसका मतलब है ये एक्टिवेट हो चुका है। एक एंड दोस्तों डाल दिया, अब जो दूसरा एंड है वो अब ये HDMI तो इस फ़ोन में जाएगा नहीं, क्यों? तो उसके लिए हमको चाहिए स्प्लिटर। तो आपको चाहिए होगा स्प्लिटर, जिसमें आप देखेंगे तो फिर HDMI का एंड होता है और आपको चार्ज करने के लिए अपना फ़ोन यहाँ पे टाइप सी दिए हैं और एक USB का भी दिया है, जो आप कीपैड कोई ब्लूटूथ कीपैड या आप ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना HDMI को डाल लेंगे। HDMI डालने के बाद, क्योंकि ये जो तार एज ए गेमर आप खेलते हो तो फिर ये जो तार है ना, आप इसको फ़ोन में, अब यहाँ पे आपका टाइप सी आराम से चला जाएगा, तो ये टाइप सी चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे बहुत ही छोटा है, तो उसके के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, जो आप भी यूज़ कर सकते हो, एक एक्सटेंडर मिलता है। तो इस एक्सटेंडर को जब आप डालते हो, इसमें कनेक्ट कर देते हो, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रेंज मिल जाता है कि मतलब खेलने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे कि हम जब इसको कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रीड करने में, फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन इंस्टेंट स्क्रीन जो मेरी यहाँ पे चल रही, कोई भी गेम आप खेल रहे हो, PUBG खेल रहे हो या आपका कोई भी फ्री फायर या कैसा भी गेम, तो फिर देखिए 0 lag और आप स्क्रीन मिररिंग नहीं कर रहे हैं, ये आपका HDMI इनपुट से जा रहा है ट्रांसमिशन, और इसमें कोई लैग नहीं होता है। आराम से आपको 10 घंटा खेलना है, पूरा दिन खेलना है, खेलिए, आपके फ़ोन पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता। देखिए कितना स्मूथ चल रहा है स्क्रीन, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं कि मतलब आपको इतना टेक्निकल चीज़ें पता है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें वैसे उतना वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए इन डेप्थ, मैं एक वीडियो बना सकता हूँ इनकी सारी सेटिंग्स का, क्योंकि उसका वीडियो बनाऊंगा तो फिर वो बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ, जो बेसिक चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो अगर आप स्ट्रीम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर तो आपको की कॉपी पेस्ट करना होता है, जो आउटपुट आपका रहता है यहाँ पर, आप ये आउटपुट देख लीजिए, ये मेरा 1080 60 FPS की स्ट्रीम है। जो एनकोडर आपका रहता है यहाँ पे, जो आप एनकोडर देख रहे हैं, एनकोडर बेसिकली आपका रहता है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड आपका कम से कम सजेस्टेड है, अगर आपको 1080 60 फ्रेम गेम खेलना है तो कम से कम 4GB ग्राफिक कार्ड आपका होना चाहिए। डाउनलोड स्पीड मैटर नहीं करता है, डाउनलोड आपका सिर्फ वीडियो देखने के लिए होता है, लेकिन आप जब स्ट्रीम करते हैं तो उसमें आपका वीडियो अपलोड होता है, तो आपका कम से कम, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 4000 बिटरेट कम से कम रखें अगर आप 720 के भी स्ट्रीम कर रहे हैं। और ये आपका हो गया यहाँ पे। फिर आप अगर वीडियो पे जाएंगे तो जैसे कि मैंने बोला, आप यहाँ पे बेस कैनवस और जो आउटपुट रहता है ये, अगर आपका इंटरनेट ठीक ठाक है तो फिर आप इस पे 1920 1080
60 फ्रेम कर सकते हैं, वरना आप इसको 720 30 फ्रेम्स भी कर सकते हैं अगर आपका इंटरनेट ठीक ठाक नहीं है। अच्छा गाइस, इसके अलावा अगर क्योंकि ये सब जो पीसी स्ट्रीमिंग है और जो पीसी सेटअप है, मुझको तो बहुत ही टाइम लगा था ये सब गैजेट्स खरीदने में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्ट्रीमिंग प्लान कर रहे हो और आपके पास पैसे नहीं हैं, जो ज़्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो आप सिंपल सी चीज़ कर सकते हो, एक ठीक ठाक सा फ़ोन ले लें जो हर किसी के पास यूजुअली होता है, एक ठीक ठाक सा फ़ोन ले लीजिए जिसमें गेमिंग ठीक ठाक चल जाए और स्ट्रीमिंग भी ठीक ठाक चल जाए, आप फ़ोन से करिए। और प्रिज्म ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है, जिस आप प्रिज्म से गेम खेल सकते हैं और उसमें बहुत सारे आप लेयर्स और बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं जो आपको बहुत ही काम आएगी। अच्छा दोस्तों, मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ पे आप अगर मेरा पीसी देखिएगा तो आपको एक ब्रेक थ्रू मैं करता हूँ, तो फिर मेरा पीसी, जो पीसी आपका ये जो मेन कैबिनेट है, ये मेरा पड़ गया था आराम से 2 लाख के ऊपर ही पड़ गया था, क्योंकि बहुत सारे अपग्रेड मारा था मैं। तो इसमें आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा RTX 4060 और Ryzen 9 है, और बहुत सारी ऐसी जो बेसिकली जो एडवांस फीचर होते हैं इसमें, ये मैंने कराया है। फिर यहाँ पे जो आपका माइक है, ये एक पॉडकास्ट लेवल का माइक है, तो माइक भी रिसेंटली अपग्रेड किया है। और मॉनिटर जो है, ये आपका 4K मॉनिटर है, गेमिंग और कर्व मॉनिटर है ये पूरा। फिर आपको यहाँ पे आपको जो कीपैड है, और फिर यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बोला, ये एलगाटो है यहाँ पे, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आप देखें ये लमसम एक फ़ोन के प्राइस का तो पड़ ही जाता है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे पड़ जाता है OnePlus 11, OnePlus 10, फिर यहाँ पे iPhone 13, तो ये तो पर्सनल यूज़ के लिए है, लेकिन ये दोनों जो OnePlus के दो फ़ोन हैं, ये तो मैं स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करता हूँ हर हफ्ते चेंज करके। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप पूरा सेटअप देखिएगा, तो फिर यहाँ पे मेरा गेमिंग चेयर है, यहाँ पे पूरा पीसी का सेटअप है। अगर मैं पीसी और सारी चीज़ें मिला के बोलूँ, अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाना भूल गया, जो मेरा बैकअप पीसी है, और ये भी अच्छा खासा तगड़ा पीसी है, ये भी Ryzen 9 RTX 4060 If I'm not mistaken, और यहाँ पे जो इसका मॉनिटर है, ये मैंने थोड़ा सस्ता वाला रखा है, क्योंकि बजट, मतलब इसको बेसिकली उतना यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.7 लाख, और यहाँ पे आपको ये वाला मॉनिटर और सारी चीज़ें मिला के 4 लाख के आसपास, तो ये हो गया होगा। गेमिंग चेयर और ये सब, मतलब आप सारी चीज़ें अगर मिला दूँ तो फिर आप एक अच्छी खासी हाई एंड कार खरीद सकते हैं। और इन सब चीज़ों को ठंडा रखने के लिए गेमिंग रूम में एयर कंडीशनर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इंटेंस गेमिंग कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं नॉनस्टॉप, तो आपको एयर कंडीशनर चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी बात, और ये फाइनली यहाँ पे अपना पूरा गेमिंग सेटअप आप लोगों को दिखा दिया है। और आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या आप सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। एक छोटा सा व्लॉग बनाया हूँ आप सबको दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे। और अच्छा हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ इस समय, तो आप लोगों का कैमरा भी दिखा देता हूँ कि कौन सा कैमरा इस समय यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इस समय मैं सोनी ZV-1 और हॉलीमार्क का माइक यूज़ कर रहा हूँ, जो आप लोग ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। वैसे शीशा क्लियर नहीं है, लेकिन जी, तो ये हो गया आपका कैमरा। तो दोस्तों ये बेसिकली मेरा गेमिंग रूम है, और आप लोगों को गेमिंग सेटअप भी दिखा लिया, और ये बेसिकली छोटा सा गेमिंग रूम है। मेरा जो एक्चुअल बेडरूम है वो बगल में है, कि आपको, आप अगर एक प्रोफेशनल लेवल पे गेमिंग कर रहे हो तो फिर आपको अपना एक कमरा चाहिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पे कोई चिल्ला रहा है, कोई कुकर की सीटी बज रही है, या मतलब सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एकदम पीसफुल आपको रहना चाहिए कि आप कॉन्सेंट्रेट कर सकें और गेमिंग कर सकें। और जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, अगर आप गेमिंग का सोच रहे हो, और गेमिंग में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतना पैसा लगाएं, क्योंकि शुरुआती में किसी के पास पैसा नहीं रहता है, और ये सच्चाई है, तो आप
पहले एक फ़ोन से स्टार्ट करिए। अगर आपको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर है, यहाँ से आप पैसे जनरेट कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आप एक एक सामान लीजिए। मैंने ये सारे सामान एक साथ नहीं लिए, अभी भी मैं धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूँ और अपग्रेड करता रहूँगा। और आप भी शुरुआती लेवल पे धीरे धीरे पैसे सेव करिए और उन्हीं पैसों से आप सामान खरीदिए, जिससे आपको कभी लॉस नहीं होगा। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि 4-5 लाख का सामान खरीद लिया, गेमिंग स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और उनका कोई पेज पे व्यूज़ भी नहीं है, क्योंकि उनका एफर्ट भी नहीं है। तो हार्डवर्क करिए, आपका एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और फ्यूचर में मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोग इस बारे में भी थोड़ा मुझे बताइएगा कि व्लॉग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जैसा भी रहा, ये फर्स्ट वीडियो है, गलतियाँ हो गई तो फिर माफ़ करिए। और मच लव, पीस आउट, टेक केयर, स्टे हेल्दी, ईट वेल, ड्रिंक वेल, थिंक वेल एंड स्लीप वेल। पीस आउट, जय हिंद।